अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नारान में एक नई और निखरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज हमारा जो प्लान है वो बाबूसर टॉप को विज़िट करने का है और रास्ते में हम डेफिनेटली लूलूसर लेक को भी विज़िट करेंगे। तो हमारे साथ चलिए और देखिए कि कुदरत ने इस खित्ते को नवाजने में कितनी फयाजी से काम लिया है। तो चलिए चलते हैं बाबूसर टॉप की तरफ। इर्द गिर्द के खूबसूरत पहाड़ सफ़र को भी खूबसूरत बनाए रखते हैं और सफ़र की कुल्फत को मुसाफिर के आसाब पर सवार नहीं होने देते। दराए कुनहार अपनी पूरी आबोताब के साथ कभी दाएं कभी बाएं आपका हम सफर रहता है। सड़क की हालत बेहतरीन है, इसलिए आप अपनी जाती गाड़ी में भी आ सकते हैं, अलबत्ता गाड़ी अपनी बेहतरीन हालत में होनी चाहिए। वैसे तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप नाश्ता नारान से करके निकलें और फिर रात का खाना वापस नारान आकर खाएं। अलबत्ता हल्के फुल्के स्नैक्स के लिए आप बटाकुंडी, बड़ावाई, जलखड़ या बेसल रुक सकते हैं। जूं जूं आप झील से करीब होते जाते हैं, तूं तूं मौसम में ठंडक बढ़ती चली जाती है। पश्तो ज़ुबान में सर का मतलब है पहाड़ की चोटी और लूलूसर उन पहाड़ों का नाम है जो झील के इतराफ़ में हैं। इसी निस्बत से ये झील लूलूसर झील कहलाती है। नारान से 50 किलोमीटर के फासले पर नारान बाबूसर रोड पर वाक़े इस झील की सतह समुंदर से बुलंदी 11,000 फुट है और यही झील दरियाए कुनहार का नुक्ताए आगाज भी है। इस हित्ते से गुजरने के बाद यह दरिया बिलाखिर दरियाए जेहलम में शामिल हो जाता है। लूलूसर झील एक ग्लेशियर के पिघलने के नतीजे में वजूद में आई है, इसीलिए अपनी किस्म के एतबार से इसे एक ग्लेशियल लेक कहा जाता है। इस मुकाम पर एक अजब सा सकूत है के सिवाय हवा की सरगोशियों के आप कुछ सुनना पसंद न करें। झील का पानी ऐसा पुरसकून कि गोया कभी तलातम खेजी से वास्ता ही न पड़ा हो। इर्द गिर्द के पहाड़ ऐसे जैसे बावकार मुदब्बिर सदियों से किसी गहरी सोच में गुम। अब हम बाबूसर टॉप की जानिब आज़िम सफ़र हैं। बाबूसर टॉप की जानिब जाने वाला रास्ता बेहद खूबसूरत है। हमारा ये सफ़र बाबूसर टॉप पर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। अलबत्ता जिन लोगों की मंजिल गिलगित, हुंजा या सकरदू हो वो आगे चले जाते हैं।
बाबूसर टॉप इस खित्ते का सबसे बुलंद मुकाम है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी तकरीबन 13,700 फुट है। यहाँ का मौसम नकाबले एतबार है, इसलिए आपके पास गर्म जैकेट लाजमी होनी चाहिए। हमारी खुशकिस्मती कि हमने इस खित्ते की पहली बर्फबारी भी देख ली। जैकेट काम आ ही गई। इस खित्ते का मलकूती हुसन आपको जकड़ लेता है। आप यहाँ से वापस तो चले जाएंगे, मगर आपके तखय्युल को वापस आने में कुछ वक्त लग जाएगा।